तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कल रात एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कलरफुल, ब्राइट और हैप्पी नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे छुपी हैं कुछ डार्क और डिप्रेसिंग चीजें और कुछ हिडन डिटेल्स, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मानस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल बहन। तो सबसे पहले ट्रेलर देखकर हमें जितनी स्टोरी समझ आई है उस पर बात कर लेते हैं। तो हमें ट्रेलर से ये पता चलता है कि एक्वामैन 2 की स्टोरी एक्वामैन 1 के 4 साल बाद टेक प्लेस करेगी, जहां पर आर्थर की शादी मैरा से हो चुकी है और अब उन दोनों का एक बच्चा भी है और अपना एक्वामैन अपनी नॉर्मल और अपनी किंगडम लाइफ के बीच बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका सामना होता है अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन ब्लैक मैंटा से, जो उसको, उसके परिवार को और उसके किंगडम को बर्बाद करने आया है, उससे बदला लेने आया है। अब ये ब्लैक मैंटा कौन है और वो उससे बदला लेना क्यों चाहता है, इसके लिए आपको एक्वामैन 1 देखनी पड़ेगी, जिससे आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। आगे बात करें तो इस बार ब्लैक मैंटा पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसके पास अब ब्लैक ट्राइडेंट भी है। अब ये ब्लैक ट्राइडेंट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी बीच एक्वामैन अपने सौतेले भाई ओरम की मदद लेकर, यानी कि एक्वामैन 1 का जो मेन विलन था, और ब्लैक मैंटा से अपने किंगडम को बचाएगा। तो ये है मूवी की बेसिक स्टोरी, या मैं कहूँ पूरी स्टोरी, क्योंकि 2 मिनट 47 सेकंड के इस ट्रेलर में हमें बहुत सारी चीज़ें रिवील कर दी गई, जिससे हमें मूवी का बेसिक प्लॉट ऑलरेडी समझ आ चुका है। तो अब बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स की। तो सबसे पहले तो हम देख ही सकते हैं कि मूवी अटलांटिस के कल्चर को भी एक्सप्लोर करेगी, क्योंकि हमें कई शॉट्स में अटलांटिस के लोगों के डे टू डे लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जिससे हम अंडर वाटर किंगडम को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसी के साथ एक शॉट में हम अटलांटिस कोलिवियम में लोगों को चीयर करते हुए भी देख सकते हैं, जहां पर पहली मूवी में आर्थर और ओहरम की फर्स्ट फाइट हुई थी। तो इस बार शायद सिर्फ जगह पे दोबारा फाइट होगी, लेकिन इस बार शायद हमें ब्लैक मैंटा और एक्वामैन की फाइट दिखाई देगी, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ एक शॉट में हमें आर्थर के पिता थॉमस करी के घर को जलते हुए भी देख सकते हैं, जहां पर उनकी इस मूवी में शायद ब्लैक मैंटा द्वारा मौत भी हो जाए, क्योंकि फर्स्ट मूवी में एक्वामैन ने ब्लैक मैंटा के पिता को मार दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है वो आर्थर के पिता को मारकर उससे रिवेंज लेगा, जिससे काफी अच्छा पैरेलल सेट होगा। इसी के साथ हम ओरम को भी एक केव में देख सकते हैं, जिसको एक्वामैन किंगडम के जो डेवर्ट्स हैं, जिसको हमें फर्स्ट मूवी में भी दिखाया गया था, वहाँ के किसी जेल में कैद करके रखा गया है, और वो काफी कमजोर भी है, क्योंकि एक अटलांटियन को सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत है, जो कि उस डेवर्ट में नहीं मिल रहा। तो ये बात काफी सेंस बनाती है। वहीं पर एक्वामैन को हम उसके एक नए स्टील के सूट में देख सकते हैं, और इसी के साथ हमें ब्लैक मैंटा का भी एक नया लुक ट्रेलर में देखने को मिला। अब बात करते हैं पूरे ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट ब्लैक ट्राइडेंट की, जिसकी मदद से ब्लैक मैंटा एक्वामैन से लड़ेगा। और ट्रेलर में हमें ये बताया गया है कि कैसे ये डार्क मैजिक को पोजेस करता है, और ये वेपन किंग एटलैंड के टाइम से एग्जिस्ट करता है, और सातों किंगडम्स के लिए एक शराब है। तो सुनने में तो काफी मस्त लग रहा है। इसी के साथ ब्लैक ट्राइडेंट के जरिए हमें अटलांटिस के सातों किंगडम की हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जिससे हमें किंग एटलांटिस के कुछ पास्ट के सीन्स भी दिखाए जाएंगे। बाकी ब्लैक ट्राइडेंट के ऊपर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने एक्वामैन 2 के ट्रेलर का छोटा सा ब्रेकडाउन किया। अगर आपको जानना है कि मार्वल ने कौन से सुपर हीरोज को वेस्ट किया है, तो उसके लिए आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको जानने मार्वल ने कौन से विलन्स को वेस्ट किया, तो उसके लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं रात के 2 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा एंड आप मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, और अगर आपके पास कोई फैन थ्योरी है तो उसे भी आप कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।